Hello students and welcome back to your own channel Sing Creations Education. MCC ने काउंसलिंग शेड्यूल के साथ साथ स्टेट काउंसलिंग शेड्यूल को भी यहाँ पर जारी कर दिया है, तो सभी नीट एस्पिरेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर इससे पहले आप लोगों ने MCC के काउंसलिंग शेड्यूल की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप उसे ज़रूर देखें। इन केस अगर आपको ये नहीं पता है कि काउंसलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, क्योंकि उस पर भी मैं वीडियो पहले बना चुकी हूँ। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिए, कंप्लीट डिटेल में वीडियो है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगी, किस किस डॉक्यूमेंट्स की आपको नीड होगी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ काउंसलिंग। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर अगर हम बात करें कि MCC का ऑल इंडिया कोटा का जो शेड्यूल है उससे कितना डिफरेंट है स्टेट काउंसलिंग का शेड्यूल, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग विल बी फ्रॉम 11th टू 20, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हैं तो ज़रूर करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, बिकॉज इंस्टाग्राम पर भी ऐसी कई इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अब हम आते हैं ऑल इंडिया कोटा की डेट्स हमें पता हैं, तो स्टेट काउंसलिंग की जो डेट्स हैं दैट विल बी फ्रॉम 17th अक्टूबर टू 28th अक्टूबर। ठीक है, आप लोग फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में 17th अक्टूबर से 28th अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या होगी, 28th अक्टूबर ऑल इंडिया कोटा की। स्टेट काउंसलिंग की जो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है दैट विल बी फ्रॉम 4th नवंबर 2022। ओके, आगे बढ़ते हैं, सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग का क्या सीन है यहाँ पर। सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग को अगर हम देखें तो उसमें 2nd नवंबर से लेकर 10th नवंबर तक की डेट है ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की। उसके बाद अगर हम स्टेट के अंदर देखें, स्टेट काउंसलिंग में आपको 7th नवंबर से 18th नवंबर तक का टाइम दिया जाएगा फॉर योर सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग फॉर सेकेंड राउंड इज 18th नवंबर फॉर ऑल इंडिया कोटा एंड 21st नवंबर फॉर स्टेट कोटा। ओके, आगे बढ़ते हैं, वेट अ सेकेंड, मॉपअप राउंड की अगर हम बात करें तो मॉपअप राउंड के अंदर भी चीज़ें बहुत सिंप्लीफाई करके दी गई हैं। 23rd नवंबर से 1st दिसंबर आपका ऑल इंडिया कोटा का शेड्यूल है फॉर द काउंसलिंग ऑफ मॉपअप, यानी कि थर्ड राउंड। आफ्टर दैट 6th दिसंबर से 12th दिसंबर विल बी द स्टेट कोटा काउंसलिंग शेड्यूल of the mop-up round. Last date of joining will be 10th December in the All India quota and 16th December in the state quota. Okay? उसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रे वैकेंसी की, तो जो स्ट्रे वैकेंसी है दैट विल बी इन ऑल इंडिया कोटा 12th December टू 14th December. एंड जो हमारी स्ट्रे वैकेंसी है उसकी लास्ट डेट फॉर द स्टेट कोटा विल बी 20th December एंड द सेम विल बी फॉर द ऑल इंडिया कोटा। ऑल इंडिया कोटा के लिए भी 20th December लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है स्ट्रे वैकेंसी में, और यहाँ पर स्ट्रे वैकेंसी में स्टेट कोटा के लिए भी सेम डेट है 20th December। ठीक है, 20th मतलब 2020, 28th मत समझना। ओके, तो उसके बाद अकेडमिक सेशन जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज का दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 15th नवंबर। सो 15th नवंबर से आप अपने ड्रीम कॉलेज में जाएंगी फॉर योर मेडिकल स्टडीज। आई नो आप लोगों में से काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छे मार्क्स से अपना नीट जो है वो क्लियर किया है। अगर नहीं किया है तो नीट 2023 की प्रिपरेशन में लग जाओ, टाइम नहीं है। अगर आप अभी से स्टार्ट करोगे तभी आप एक बेटर प्रिपरेशन कर पाओगे फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर गिवन है दैट देयर विल बी टू मोर राउंड्स, दैट इट सेकेंड मॉपअप राउंड एंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड फॉर BDS एंड BSc नर्सिंग कोर्सेज, जिसका शेड्यूल MCC की वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। जैसे ही ये शेड्यूल आएगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। विद दैट सेट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।